हमीरपुर जिला के सभी राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गई है। छात्र इस बार भी फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एडमिशन लेंगे। कॉलेज प्रबंधन ने भी कमेटियां गठित कर दी हैं ताकि छात्रों को ऑनलाइन एडमिशन के लिए कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। कई छात्र कॉलेज में आकर एडमिशन को लेकर जानकारियां ले रहे हैं। बता दें कि हमीरपुर जिला के 6 राजकीय महाविद्यालयों में 10 जुलाई से फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। छात्र कॉलेज की साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें मनपसंद कॉलेज में सीट मिल सके। हमीरपुर महाविद्यालय में अब तक फर्स्ट ईयर में 874 छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। महाविद्यालय हमीरपुर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस सत्र में हम एडमिशन शुरू कर चुके हैं। 11th को हमारे पोर्टल ओपन हो गए थे जिसमें बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, परंतु क्योंकि अभी CBSE का रिजल्ट नहीं आया तो इसलिए फर्स्ट ईयर में अभी रिस्पांस थोड़ा कम है। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इन द कॉलेज ऑनलाइन इज 20th of July, बट क्योंकि अभी CBSE रिजल्ट नहीं आया तो शायद ये एक्सटेंड भी हो सकती है फर्स्ट ईयर के लिए। तो बच्चों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी बच्चे को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी मेरिट तभी बनेगी जब सारे रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे और उसी मेरिट बेसिस पे हम बच्चों को दाखिला देंगे। और दूसरे जो हमारे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अप्लाई करते जा रहे हैं, उनको साथ साथ रोल ऑन में हम अप्रूव भी कर रहे हैं और उनकी एडमिशन सुचारू रूप से चल रही है। मैं ये भी सूचित करना चाहूँगी कि ऑनलाइन वेबसाइट पे हमारे अध्यापकों के नंबर भी सब दिए गए हैं। अगर उनको कोई कंफ्यूजन आता है, कहीं उन्हें पता नहीं चल रहा या कहीं गलत भरा जा रहा है, वो जरूर कॉन्टेक्ट करें। लैंडलाइन पे भी हमारे एक डीलिंग हैंड इस फोन को अटेंड करते हैं और हर चीज़ को बताते हैं, परंतु ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अध्यापक फ़ोन करके बच्चे को बोल भी देते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं डाली है, इसको डालिए, ये सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, मार्क्स में भी लिख देते हैं। तो कमेंट भी जरूर पढ़ें जो उन्होंने लिखा होता है, उस कमेंट को जरूर सुने और लिखें, वो देखें और पढ़ें। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लगभग 50% विद्यार्थियों ने अपने अपने ऑनलाइन फॉर्म्स भर दिए हैं, उन्हें अप्रूव भी किया जा चुका है, जो कि फीस भरने की प्रक्रिया चल रही है। और अगर अभी मैं कुछ आपको डेटा देना चाहूँ तो डेटा के हिसाब से अभी BA फर्स्ट ईयर में हमारे पास 209 विद्यार्थियों ने ही एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी है। BSc नॉन मेडिकल फर्स्ट ईयर में 103 विद्यार्थियों के आए हैं और BSc मेडिकल में फर्स्ट ईयर में 52 फॉर्म्स ही अभी तक आए हैं। BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर में 53 फॉर्म्स आए हैं। BCom फर्स्ट ईयर में अभी तक सिर्फ 91 फॉर्म्स आए हैं, जो कि इसमें भी बड़े ज़्यादा आते हैं। BCA फर्स्ट ईयर में 270 फॉर्म हैं। BBA फर्स्ट ईयर में हमारे पास 77 फॉर्म्स हैं और BWOC में HT में हमारे पास हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में 8 ही फॉर्म्स अभी तक आए हैं। BWOC रिटेल मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर में हमारे पास 11 फॉर्म्स आए हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगी विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए, कि हमारा BCA का एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर 22 जुलाई को फिक्स हुआ है और BBA का एंट्रेंस टेस्ट 23 जुलाई को फिक्स हुआ है, परंतु अगर CBSE रिजल्ट नहीं आता है तो इन डेट्स को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। महाविद्यालय सभी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का अगले सत्र में, इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करता है। विद्यार्थी अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, परंतु एडमिशन ऑन मेरिट रहेगी। हमारे सारी डिटेल्स हमारे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं। हमारी वेबसाइट को कृपया दिन में एक बार जरूर चेक करें, नोटिसेस को चेक करें, ताकि किसी तरह की भी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ना रहे। और मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगी, महाविद्यालय अभी NAC के ग्रेड के लिए दिन रात कार्य पे लगा हुआ है। हमारी टीम्स, पूरे महाविद्यालय के एम्प्लॉयज इस कार्य में लगे हुए हैं और तत्पर हैं कि हम अपने ग्रेड को A ग्रेड तक पहुंचा दें, जिसके लिए कि युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अभी हमने महाविद्यालय में कॉलेज ऑफ एक्सलेंस के तहत 1 करोड़ की ग्रांट को बहुत अच्छे तरीके से खर्चा है और स्मार्ट क्लासरूम, ई ऑफिस, बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सभी में हमने एडिशन की है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ में भी बहुत बहुत एडिशन हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, परंतु क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं इसलिए मेरिट के हिसाब से दाखिला किया जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।